नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में दोस्तों अगर आप यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए फिलअप करना चाह रहे हैं किसी भी क्लास के छात्र चाहे आप पी ए बी एस सी बी डिप्लोमा आईटीआई पॉलिटेक्निक यूजी पीजी एमए एमएससी एमकॉम कोई भी कोर्स के लिए अगर अदर देन इंटरमीडिएट के लिए अपना यू स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो आज के समय में हम आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं कैसे आप खुद से ही अपने आप अपने मोबाइल फोन से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों फुल प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप डिजी लॉकर फिकेशन करेंगे इसके बाद दोस्तों आप लोग अपना आवेदन पत्र कैसे फिलअप करेंगे सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर में आपको सर्च करना है स्कॉलरशिप डॉट यूपी डॉट जी ओ वी डॉट इन इतना लिखकर जैसे सर्च करोगे तो डायरेक्ट आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डायरेक्ट आप वहां से यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर आ सकते हैं यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको स्टूडेंट पे जाना रहेगा स्टूडेंट सेक्शन पे जाने पे तो आप के बाद यहां पर देखोगे तो रजिस्ट्रेशन और मिलेंगे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसी भी क्लास के छात्र रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आगे अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले अगर आप फ्रेश फॉर्म फिलअप करें तो फ्रेस लॉगिन पर क्लिक करना है अगर आप रेनुअल फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेनुअल लॉगिन से अपना लागिन करना रहेगा क्योंकि रिन्यूल लॉग इन के लिए यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट आप पिछले रजिस्ट्रेशन से लॉग कर सकते हैं तो यहां पर हम फ्रेश फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं इसके लिए हम फ्रेश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉग अगर आप कक्षा नौ दस के छात्र हैं तो प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉग से लॉग करेंगे अगर आप इंटरमीडिएट कक्षा ग्यारह बारह के छात्र हैं तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट से लॉग करेंगे देन यहाँ पर अगर आप इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं जैसे बी ए बी एस सी बी कॉम एम एस सी एम कॉम यहाँ पर कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से आपको अदर देन इंटर मीडियल स्टूडेंट लॉग से करना रहेगा फिर यहाँ पर नीचे अदर स्टेट के छात्रों के लिए अगेन कर सकते हैं जो अदर स्टेट में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं अब दोस्तों यहाँ पर हम पो, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देते हैं जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना रहेगा दो हज़ार के लिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो हम फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो पोस्ट मेट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का है 2024-25 में हम अदर देन इंटरमीडिएट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर लेते हैं देन यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फ़िलअप करना रहेगा जो रजिस्ट्रेशन में आपने फिलअप किया था अब यहाँ पर आपको पासवर्ड आपने जो बनाया था उसको फिलअप करना है कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा तो वहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर और यहाँ पर पासवर्ड देन यहाँ पर हम सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं जैसे आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देख सकते हैं यहां पर आप सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं यहाँ पर आपका लॉगिन में कोई थी सॉल्व हो चुके हैं आप तो आपको, आपको डिजी लॉकर से सत्यापन करना रहेगा जिसके लिए यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है बिना डिजी लॉकर सत्यापन के आगे आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन इस पे आपको क्लिक कर देना है टॉपअप आ जाएगा इसको यहाँ पर आपको ओके करना रहेगा क्योंकि यहां पर आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा तो देख सकते हैं डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आ चुके हैं अब आप पर आपको योर अकाउंट अकाउंट अगर आपका एक एक लाकर का पहले से बना हुआ है तो यहां पर आप मोबाइल नंबर से लॉग इन कर सकते हैं या फिर आप यूजर नेम से भी लॉग इन कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप आधार से लॉग इन करना चाहें तो आधार नंबर से भी यहां पर आपको आधार नंबर सेलेक्ट करके यहां पर आधार से भी आप लॉग इन कर सकते हैं दूसरी चीज अगर आपका अकाउंट नहीं बना है या आपको नहीं पता है कि हमें हमारा अकाउंट बना है या नहीं बना है अगर आपका बना है आपको नहीं पता है तो इस पे आया, फिर आपका बिल्कुल बना ही नहीं तो यहाँ पर, नीचे इस पे करना है। फिर यहां पर आपको अपना आधार नंबर देना रहेगा। दोस्तों से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा उस ओटीपी को यहां पर आपको एंटर कर देना है ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना रहेगा तो हम यहां पर ओटीपी आ चुका है ओटीपी हम फिलअप कर लेते हैं जैसे ही आप यहाँ तो पर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ पेज लोड होगा लोड होने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा अगर आपका पहले से ही बना होगा तो यहाँ पर यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी इस प्रकार से से आपको शो करेगा अगर आपका यहां पर पहले से नहीं बना होगा तो यहाँ पर क्रिएट पिन का ऑप्शन आएगा नीचे यहां पर छह अंकों का पिन बनाने का ऑप्शन आएगा इसमें आप कोई भी छह अंकों का पिन बना सकते हैं अपने मर्जी से यहाँ पर पिन डालकर आपको डन पे क्लिक करना रहेगा अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ चुका है तो यहाँ पर आपको पिन अपना पुराना पिन डालना रहेगा पिन भूल रहे हैं तो फारगेट पिन से करके अपना पिन चेंज कर लेंगे यहाँ पर हमें पिन पता है तो हम पिन डाल लेते हैं इसके बाद डन पे क्लिक कर देते हैं जैसे आप यहाँ पर डन ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा अब यहाँ पर आपको अलाउ का ऑप्शन है यहाँ पर आपको अलाउ ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जैसे आप इसे अलाउ करते हैं तो यहाँ पर आपका पेज लोड होगा आपकी जो डिटेल है वो फ्रेश करेगा यहाँ पर देख सकते हैं आपकी डिटेल कुछ इस प्रकार से आ जाएंगी जैसे कि यहाँ पर आपका फोटो और यहाँ पर आपकी डिटेल नाम यहाँ पर जेंडर गार्जियंस नेम सारी डिटेल्स शो कर जाएंगी यहाँ पर आपको वेरीफाई डिटेल पर क्लिक कर देना है जैसे आप वेरीफाइड डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डिजी लॉकर सत्यापन हो चुका है इस

यहाँ पर पहले से ही सेलेक्ट होता है अब दोस्तों यहां पर आपको पाठ्यक्रम का प्रकार सेलेक्ट करना है कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं जो भी आप कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे आपके कॉलेज से रिलेटेड सारे कोर्स यहाँ पर शो हो जाएंगे कोर्स सेलेक्ट करने के बाद वर्तमान पाठ्यक्रम का बैच क्या है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा अब यहाँ पर बैच आपको नीचे शो कर जाएगा उस बैच को आपको सेलेक्ट कर लेना है फिर यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम का वर्ष अवधि अगर आप फर्स्ट ईयर के कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो जितने साल की डिग्री होगी वो शो करेगी एक साल दो साल तीन साल तो यहाँ पर दो साल का शो करेंगे अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए फिलअप करना था तो एक सेलेक्ट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए सेलेक्ट करें तो दो सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पर आपकी पात्रता इंटर के आपका एडमिशन हुआ है या हाई स्कूल के या स्नातक के वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना रहेगा इसके बाद ऊपर स्कॉल करोगे तो यहां पर आपको कुछ डिटेल फिलअप करनी है इंटरमीडिएट की सेलेक्ट करना रहेगा देन यहाँ पर आपको पुरां हाई स्कूल में कितने का पुरां था वो आपको फिलअप करना है कितने नंबर स्कूल में मिले थे ऑप्शन में कितने नंबर मिले थे उसको यहां पर फिलअप करना रहेगा इसके बाद देन यहां पर आपको परसेंटेज कितना है हाई स्कूल में कितने परसेंट आपने नंबर लाए थे वो यहाँ पर आपको परसेंटेज फिलअप करना है देन यहाँ पर किस बोर्ड से आपने अपना हाई स्कूल पास आउट किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर यहाँ पर इंटर करना है फिर यहाँ पर आपको इंटर का पूर्णांक इंटर का प्रथाक और यहाँ पर कितना परसेंटेज है ये सारी डिटेल फिलअप करनी किस बोर्ड से आपने इंटर पास आउट किया वो चीज़ फ़िलअप करनी है इसके अलावा अदर कोई डिग्री ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू ईरों पर ऐड कर सकते हैं यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड डालकर कर टर्म कंडीशन यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है देन सबमिट ऑप्शन वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं जैसे कि हमने डिटेल फिलअप के लिया फिर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं जैसे आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे देख सकते हैं शैक्षिक विवरण आपका फिलअप हो चुका है अब यहाँ पर आपको निजी विवरण फिलअप करना है निजी विवरण में जैसे कि यहाँ पर आपको आपका अगर आप कोई विकलांगता आपके शरीर में है तो किस प्रकार की बनता है उसको सेलेक्ट करोगे फिर यहाँ पर आपके कितने परसेंट है कितना भत्ता मिलता है प्रमाण पत्र संख्या आवेदन फॉर्म संख्या राशन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको डालना है नहीं है तो आप इसमें कोई भी यहाँ पर जीरो जीरो डाल छोड़ भी सकते हैं या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं फिर यहां पर आपको मदर्स नेम डालना रहेगा माता जी का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है कैप्चा कोड करके कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद अपडेट वाले ऑप्शन क्लिक करना रहेगा तो पर डिटेल हमने कर ली देन यहां पर हम अपडेट ऑप्शन क्लिक कर देते हैं जैसे आप अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर निजी विवरण फिलअप हो चुका है अब यहाँ पर नॉन रिफेंडेबल शोल्क यहाँ पर आपको फिलअप करना जो भी आपकी फीस रहेगी वो यहाँ पर आपको फिलअप करना रहेगा देन यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करना है देन यहाँ पर आपको अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर हम फीस फिलअप कर लेते हैं देन अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं जैसे आप अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हैं आपकी सफलतापूर्वक डिटेल फिलअप हो चुके जो आवेदन पत्र है वो फिलअप हो चुका है अब यहाँ पर आपको होम पेज पे जाना है होम होमपे क्लिक कर देना है जैसे होमपे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका छात्रवृत्त तो आवेदन पत्र फिलअप हो चुका है फोटो भी आपका आधार से अपलोड हो चुका है अब यहाँ पर आपको आवेदन संशोधित करें अगर आपकी कोई गलती कर दी है तो उसे आवेदन संशोधित पर क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं अब यहाँ पर नीचे आपको आय जात प्रमाणीकरण करना रहेगा जिसके लिए यहाँ पर आय जात प्रमाणीकरण हेतु वाले आपको क्लिक करना है आजाद प्रमाणीकरण करने के लिए जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपकी कुछ बेसिक डिटेल देखने को मिलेंगी अब यहाँ पर नीचे आपको आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या फिलअप करनी रहेगी जो भी आपके आवेदन जात व आवेदन फार्म पे आय प्रमाण पत्र पे होगा वो आवेदन फॉर्म संख्या और यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या फिलअप करना है कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है तो नीचे आपकी यहाँ पर डिटेल्स शो हो जाएंगी आपसे आय की विवरण यहाँ पर नीचे डिटेल्स शो हो जाएंगी कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर आपकी आय की विवरण शो हो जाएंगी यहाँ पर नीचे आपको वेरीफाई इनकम डिटेल का ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई इनकम डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ई डिस्ट्रिक्ट से आय प्रमाण पत्र मिलान किया जा चुका है यहाँ पर आपका आय वेरिफिकेशन हो चुका है अब यहाँ पर आपको जात वेरिफिकेशन उसी प्रकार से करना है जैसे आपको यहाँ पर जाति आवेदन फॉर्म संख्या और यहाँ पर क्रमांक संख्या कैप्चा को डालकर सबमिट करना है तो नीचे उसी प्रकार से यहाँ पर आपकी डिटेल शो हो जाएंगी जैसे कि यहाँ पर आपकी डिटेल इस प्रकार से शो हो जाएंगी जात का विवरण आ जाएगा अब यहाँ पर वेरीफाई कास्ट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है जैसे वेरीफाई कास्ट डिटेल पर क्लिक करोगे देख सकते हैं एवं जात प्रमाणीकरण हो चुका है अब यहां पर आपको आधार हेतु आधार प्रमाणीकरण करना रहेगा जिसके लिए प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालेगा ऑप्शन आपको क्लिक करना रहेगा जैसे आप इस पे तो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर आपकी दिखाई जाएंगी जो आपकी रजिस्ट्रेशन की रहेंगी आपको इसको ऊपर स्कॉल डाउन करना है यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आप डेमोग्राफिक तीन बार कर सकते हैं और आधार ओ का वेरिफिकेशन आप तीन बार कर सकते हैं इससे अधिक प्रयास करोगे तो यहाँ पर आपका लाख हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देकर करना है जैसे कि यहाँ पर आपका जो छात्र का नाम है वो देख लेना हो यहाँ पर डेटा पर दोनों चीज़ें आपको आधार से मैच की ही आधार वेरिफिकेशन करना रहेगा अब यहाँ पर दोस्तों सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है कन्फर्म आधार नंबर डालना है देन यहाँ पर टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करना है यहाँ पर आपको कैप्चा को डालकर वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पे डिटेल फिलअप करके क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आधार प्रमाणीकरण हो जाएगा जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक देख सकते हैं यहाँ पर आपका आधार सत्यापित हो चुका है आधार प्रमाणीकरण के साथ यहाँ पर एन भी सत्यापन हो चुका है और सी बी रोल नंबर भी आपका यहाँ पर सत्यापित हो चुका है ये साथ में ही हो जाएगा जैसे आप आधार प्रमाणीकरण करोगे अगर आपका NPCI सत्यापन नहीं होता है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है उस वीडियो को देखकर आप अपना NPCI सत्यापन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा यहाँ पर NPCI सत्यापन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जांच हेतु तो आवेदन प्रिंट करने का ऑप्शन ग्रीन हो चुका है इस पर क्लिक करके अपना जाँच है तो आवेदन प्रिंट यहां से निकाल सकते हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं या आप प्रिंट संस्था में जमा करने है तो मान्य नहीं है यहां पर सत्र दो हज़ार चौबीस पच्चीस डेट देख सकते हैं एक नौ दो हज़ार चौबीस जो की आज की कि आज की डेट है ये आज ही फॉर्म हमने कम्प्लीट किया है यहाँ पर देख सकते हैं आपका फॉर्म कम्प्लीट हो चुका है यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल देखने को मिलेंगी जैसे कि यहाँ पर बहुत से छात्र कमेंट करेंगे कि हाई स्कूल का यहाँ पर बोर्ड का नाम नहीं आया तो यहाँ पर आपने हाई स्कूल की डिटेल पूछी भी नहीं गई किस कॉलेज से पास किया उस यहाँ पर आपकी डिटेल शो नहीं होंगी जो सारी डिटेल आपने फिलअप की होगी वही डिटेल यहाँ पर शो करेंगी अब दोस्तों यहाँ पर नीचे बहुत सारी डिटेल यहाँ पर कॉलम खाली हो सकते हैं जैसे कि हम ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका व्यवसाय का पाठ्यक्रम प्रवेश यहां पर देख सकते हैं बहुत से कॉलम यहाँ पर खाली है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं जो कि आप डिटेल फिलअप किए हैं वो डिटेल आप पर शो होनी चाहिए अगर वो डिटेल यहाँ पर शो हो रही तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर आप देखोगे रैंकिंग डिटेल सारी चीज़ें यहाँ पर कॉलम है खाली है यहाँ पर आय एवं जात का विवरण फिलअप रहेगा और यहाँ पर फीस की डिटेल आपकी फ़िलअप रहेगी बाकी आपने जो भी डिटेल फिलअप की होगी जैसे आपका हाई स्कूल का रोल नंबर पुरान ये यह चीज़ यहाँ पर शो नहीं होते हैं पहले भी नहीं शो होती थी इस बार भी शो नहीं हो रही अब दोस्तों यहाँ पर आपको बैक ऑप्शन पर क्लिक करना है फिर से यहाँ पर आप आ जाओगे अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जाँच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करिए और संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट तीन दिन के बाद अवश्य निकालें इस प्रकार से इस पर आप देख सकते हैं ग्रीन टिक आ चुका है अब इसे आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं जिसके लिए आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप ओके करने के बाद यहाँ पर आप इसे कोई भी संशोधन नहीं कर पाओगे इसलिए हम अभी इसे लॉक नहीं कर रहे हैं लॉक करने के बाद आप इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर पाओगे जिस दिन आप लॉक करोगे उसके तीसरे दिन चौबीस घंटे बाद आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं हालांकि चौबीस घंटे के बाद निकलना स्टार्ट हो जाता है लेकिन कभी कभी यहाँ पर समय लग सकता है तीन दिन बाद ही आपका संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट हो पाएगा तो दोस्तों इस प्रकार से जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म है आप फिलअप कर सकते हैं अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा उससे भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी